अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल स्टार्ट अवर थर्ड लेक्चर ऑफ इकोलॉजी एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर सहरी शुमर। बेसिकली आज हमने अपना थर्ड लेक्चर डिस्कस करना है अबाउट इकोलॉजी। सेकेंड लेक्चर में हमने बायोस्फीयर को डिस्कस किया था और उसके मेनली डिफरेंट पार्ट्स हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमने एटमोसफेयर, देन हाइड्रोसफेयर एंड देन इज लिथोस्फेयर। ठीक है, एटमोसफेयर हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोसफेयर। ठीक है, हाइड्रोसफेयर को बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हाइड्रोसफेयर जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, कि ऐसा कंपोनेंट बायोसफेयर का जो कि वाटर पर मुश्तमिल है उसको हमने आज डिस्कस करना है। हाइड्रोसफेयर मीन्स दैट पार्ट ऑफ अर्थ दैट रिटेन वाटर। ठीक है, अगर हम आपको आप जानते हैं कि अगर हम स्पेस से प्लेनेट अर्थ को देखें तो उसमें हमें ज़्यादातर उसका जो पार्ट है ब्लू पार्ट नज़र आता है। ठीक है, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है कि ज़्यादातर उसका जो हिस्सा है हमें ब्लू में नज़र आता है, ग्रीन कलर बहुत कम नज़र आ रहा है, दैट इज़ द ड्राई पोर्शन। ठीक है, अब इसी से हमें इंडिकेट होता है कि मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, सो दैट वी सी दैट ब्लू पार्ट। ठीक है, कि ये जो हमें स्पेस से इसका प्लेनेट अर्थ का ब्लू पार्ट नज़र आता है इसलिए नज़र आता है क्योंकि ज़्यादातर जो हिस्सा है प्लेनेट अर्थ का वो हमारी वाटर से कवर है। दैट इज़ वाई वी कॉल द प्लेनेट अर्थ एज ब्लू प्लेनेट और वाटर प्लेनेट। ठीक है, कि इसे हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं और वाटर प्लेनेट भी कहते हैं, जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन होती है ड्यू टू वाटर। ठीक है, कि वाटर हमारी लाइफ के लिए एक असेंशियल कंपोनेंट है, असेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि ये वाटर कहाँ कहाँ या किस किस सूरत में पाया जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास द ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम, लेक्स, पॉन्ड्स, पूल्स, पोलर आइस कैप्स, वाटर वेपर्स फॉर्म द हाइड्रोसफेयर। के जितनी भी फॉर्म्स में वाटर है वो सारा का सारा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और हम हाइड्रोसफेयर में वो सब इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इंडिकेट हो रहा है कि वाटर मुख्तलिफ फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, वो हमारे पास जो थ्री स्टेट्स हैं प्लाज्मा की, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है वाटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। वो थ्री स्टेट्स कौन कौन सी हैं? इन द फॉर्म ऑफ आइस, अगर हम डिस्कस करें कि आइस की फॉर्म में होता है तो वो क्या है? सॉलिड है, लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, साथ साथ वाटर वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मींस गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। वेपर्स को हम क्या कह रहे हैं? गैस की फॉर्म में, तो मींस जो मैटर की तीनों स्टेट्स हैं वो वाटर में, वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारी प्लेनेट अर्थ है उसमें हमारा 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, उसमें से 75% हमारा वाटर से कवर हुआ होता है, बाकी जो बचता है वो लैंड है और मेनली वाटर एग्जिस्ट करता है हमारी प्लेनेट पर, इसीलिए हमारा जो प्लेनेट है वो ब्लू कलर में हमें नज़र आ रहा होता है। उस ये जो ब्लू पार्ट है उसमें हमारे रिवर्स आ जाते हैं, सी, ओशंस, ग्लेशियर्स, रेन, आइस कैप्स, ये सारे के सारे वाटर बनाते हैं, वाटर में इंक्लूड होते हैं और ये सारे के सारे हाइड्रोसफेयर का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, तो आपको पता है कि तमाम तरह की जो लाइफ है वो वाटर बेस्ड है। हम खाने के बगैर तो ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम ज़्यादा एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते। पानी के खाने के बगैर तो इंसान ज़िंदा रह लेता है लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। इसी तरह मुख्तलिफ तरह के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी वाटर बेस्ड हैं, उनकी लाइफ भी वाटर बेस्ड है, वो भी उतना ही उनके लिए रिक्वायरमेंट जितना कि इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो बात करें तो लाइफ ऑन अर्थ बिगिन इन द सीज, कि जो बेसिकली लाइफ है वो सीज से ओरिजिनेट हुई है, एंड वाटर इन सम फॉर्म और द अदर इज़ एब्सोल्यूटली असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑल लाइफ। जितनी भी तरह की ज़िंदगी है वो वाटर बेस्ड है। आपको पता है कि हमारी जो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का 70% जो वेट है वो वाटर पर मुश्तमिल है। ठीक है, वाटर बेस्ड है हमारा 70% वेट, तो इसका मतलब है हमारी अपनी बॉडी जब वाटर पर मुश्तमिल है तो हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर इनटेक करना। ठीक है, जितना हमारा वाटर इनटेक करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। यही रीज़न है कि हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में उतना वाटर नहीं है जितना हमें ज़रूरत है। वाटर इज़ वन ऑफ द मेन एजेंट इन पीडोजेनेसिस। नेक्स्ट अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडोजेनेसिस कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। पीडो मीन सॉइल एंड जेनेसिस मीन प्रोसेस या फिर फॉर्मेशन। ठीक है, कि ऐसा प्रोसेस जिससे सॉइल बन रही है उसे हम कहते हैं पीडोजेनेसिस, और वाटर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है। वाटर का जो कमी या ज्यादती है पीडोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, बहुत ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करती है। दैट इज़ वाई वाटर इज़ मोर वेरी एसेंशियल फॉर द पीडोजेनेसिस एंड इज़ मीडियम फॉर सेवरल डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ठीक है, कि इकोसिस्टम जो कि वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ तरह के एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें फिशेज़ रह रही हैं, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रही हैं, प्लांट्स रह रही हैं, वो सारे के सारे जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स हैं वो इकोसिस्टम जो हैं वाटर बेस्ड हैं। वाटर उनके लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, वो वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। फर्दर वाटर इज़ इन इट्स टू फॉर्म, सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, हमने बेसिकली डिस्कस किया कि हमारे पास जो वाटर है 75% वाटर अर्थ पर मौजूद है। ठीक है, 75% वाटर अर्थ में है, और इस 75% में से भी जो 97% है वो बेसिकली हमारा मेरीन वाटर है। ठीक है, बेसिकली 97% मेरीन वाटर है, और फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर हमारे पास जस्ट 3% है। ठीक है, 3% फ्रेश वाटर, और बाकी 97% हमारे पास मरीन वाटर है, दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, 97% जो है हमारे पास ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है, जो हमने ड्रिंक करना है वो जस्ट 3% है। ठीक है, 97% ऐसा वाटर है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो हाइपरटॉनिक वाटर है, जबकि फ्रेश वाटर जो है वो हाइपोटॉनिक होता है, जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है या सूटेबल होती है पीने के लिए, जिसको हम पीने के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ ओनली 3% जो कि रिवर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेक्स में होता है, पोलर आइस कैप्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। दैट इज़ ओनली 3% दैट इज़ असेंशियल फॉर आवर लाइफ। दैट इज़ वाई वी मस्ट कंजर्व आवर वाटर, की यही रीज़न है हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पीने का पानी है वो जस्ट 3% है। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इसकी फॉर्म्स को, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि वाटर आइस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, साथ साथ वाटर वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो हमारा जो मेनली आइस है वो है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और जो हमारा बेसिकली फ्रेश वाटर होता है वो भी इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। फ्रेश वाटर जिसे हमने 3% कहा था, वो उसका जो मेजर पार्ट है, उस 3% में से जो मेजर पार्ट है, ठीक है, मेजर पार्ट जो है वो पोलर आइस कैप्स, ये पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में, मीन्स आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, इस 3% का मेजर पार्ट। बाकी जो स्मॉलर पोर्शन है इस 3% में से, वो रिवर्स और लेक्स की सूरत में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिवर्स और लेक्स की सूरत में। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल लाइफ जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो बढ़ती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है, उसी तरह पोल्यूशन भी बढ़ती जा रही है। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, ये मेल्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये मेल्ट होते जा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा जो कंजर्व वाटर है इन द फॉर्म ऑफ आइस, वो यूटिलाइज होता जा रहा है, वो ख़राब होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारा जो 3% वाटर, जिसका मेजर फॉर्म ग्लेशियर्स और आइस कैप की सूरत में हमारे पास कंजर्व पड़ा था, उसको भी अगर हमने ख़त्म कर दिया तो हमारे पास बचेगा क्या जो हमने पीना है। ठीक है, कि अगर वो हमारे पास ग्लेशियर्स की सूरत में महफूज पड़ा था, कंजर्व पड़ा था, उसको भी ग्लोबल वार्मिंग अगर उसको मेल्ट कर देगी तो हमारे पास जो पीने का पानी है वो बहुत कम रह जाएगा, जिसको हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद वाटर जो लिक्विड फॉर्म में बेसिकली एग्जिस्ट करता है वो मेरीन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, बेसिकली सीज़, ओशंस वगैरह में। ठीक है, और वाटर वेपर्स की सूरत में, गैशियस स्टेट में भी वाटर एग्जिस्ट करता है। तो ये थी हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट्स वाटर की। नेक्स्ट अगर हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वाटर की, तो सबसे पहले हमारे पास हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि पानी की सलाहियत कि वो कितनी हीट अपने अंदर रिटेन कर सकता है। ठीक है, हमने वो डिस्कस करना है। आपको पता है कि पानी जो है वो इनर्ट बॉडी है, इनर्ट कंपाउंड है, जो ज़्यादातर किसी सब्सटेंसेस के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब हमने इसकी मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, जिसमें हीट कैपेसिटी आ जाएगी, लेटेंट हीट आ जाएगी, हायर फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा इसका। आपको पता है कि इसका जो पानी जो है, वाटर इज़ कलरलेस जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले है हमारे पास हीट कैपेसिटी।
आपको पता है कि हीट कैपेसिटी जो बेसिकली वाटर की है दैट इज़ 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है, 4.2 होती है बेसिकली जाउल पर ग्राम पर केल्विन, इस तरह से अगर लिखूँ, ठीक है, जाउल पर ग्राम पर केल्विन इस तरह की होती है 4.2। अब आपको ये जो हीट कैपेसिटी है वाटर की 4.2, ये कहीं ज़्यादा होती है, जिसे हम कह सकते हैं मोर और लेस 6 टाइम ज़्यादा है रॉक्स और स्टोन से, ठीक है, कि ये हीट कैपेसिटी रॉक्स और स्टोन से 6 टाइम ज़्यादा होती है। इसका मतलब है रॉक और स्टोन जितनी हीट अपने अंदर रिटेन करते हैं, वाटर उस 6 टाइम ज़्यादा उससे रिटेन करते हैं। यही वजह है कि वाटर हैज़ हाई हीट कैपेसिटी एंड इट कैन विदस्टैंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बिकॉज ऑफ द हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ओशन लेक्स टेंड्स टू मेंटेन अ रिलेटिवली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कि यही रीज़न है कि वाटर जो है वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, रिटेन कर लेता है, जिसकी वजह से जो वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट स्टेट में रहता है। दैट इज़ व्हाई वहाँ पर जो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, मुख्तलिफ तरह की जो लाइफ है प्लांट्स की या एनिमल्स की, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती चेंजेस के साथ, कि टेम्परेचर अगर बढ़ भी रहा है तो वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल कॉन्स्टेंट रह रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा हीट कैपेसिटी है, वो अपने अंदर हीट को रिटेन कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी का 70% जो है वेट वो वाटर पर मुश्तमिल है, 70% हमारी बॉडी का वाटर पर मुश्तमिल होता है। तो इसी तरह अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसकी बॉडी अगर रेज कर रही है टेम्परेचर, उसकी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है, 32 अगर उसका टेम्परेचर है तो 37 तक लाने के लिए उसकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो वो हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो वाटर एब्जॉर्ब भी कर रहा है, कि हमारे अंदर जो 70% वाटर है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है जो कि नॉर्मल बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अगर हमारे अंदर वो वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना करे, तो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, बल्कि 37 से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम जो है आउटर इन्वायरमेंट से भी हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, साथ साथ हमारी अपनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से अगर हमारा 37 टेम्परेचर है, वो तो 37 रहना ही नहीं चाहिए, तो 37 क्यों रहता है, 37 पर मेंटेन क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% वाटर है जो कि ज़्यादा या एक्स्ट्रा एक्सेस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर रिटेन कर लेता है। यही सलाहियत है हमारी बॉडी की, कि अपना नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर हम मेंटेन किए हुए हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर, ड्यू टू लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये हो गई इसकी हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड एवेपोरेशन, ठीक है, कि हीट ऑफ मेल्टिंग और एवेपोरेशन को हमने डिस्कस करना है। हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होती है? द लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड एट द फ्रीजिंग पॉइंट इंटू 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, ठीक है, कि ऐसी कैपेसिटी जिसके अंदर हमने सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, सॉलिड मींस आइस को हमने चेंज करना है लिक्विड फॉर्म में एट द सेम टेम्परेचर, उसको हम क्या कह रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। के कितनी कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं, कितना हमें टेम्परेचर देना पड़ता है वाटर को कि वो सॉलिड से जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन, मतलब अब हमने लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट करना है, ये हमने सॉलिड को लिक्विड गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया, अब इस लिक्विड स्टेट को हमने गैस स्टेट में कन्वर्ट करना, मतलब एवेपोरेशन करनी है वाटर की, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, के हमने वाटर की 1 ग्राम को वाटर वेपर में चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट रिक्वायर होगी, जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी, उसे हम कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन, ठीक है। आपको पता है कि वाटर जो है ना सिर्फ हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बल्कि बायोस्फीयर के टेम्परेचर को भी मेंटेन किए हुए है, बिकॉज जो एवेपोरेशन है वाटर की वो एक नॉर्मल फिनोमिना है, कि ना ना जैसे हमारी बॉडी में इसने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, साथ साथ वो बायोस्फीयर मतलब बायो जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन किए हुए है, उसके अंदर जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है हमारी लाइफ के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करें थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये कितना अच्छा कंडक्टर है, ये हमने बात करनी है इसकी, हाउ मच वाटर कैन कंडक्ट, ठीक है। तो इसकी बात करें, ऑल दो वाटर इज़ अ पुअर थर्मल कंडक्टर कंपेयर टू मेटल्स, मेटल्स की बात करें तो मेटल्स से कंपेयर करके ये पुअर कंडक्टर है, लेकिन बेसिकली लिक्विड्स के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो ये एक्सीलेंट कंडक्टर है,
ठीक है, फॉर एग्जांपल द कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी है 1.1, लेकिन वाटर की कंडक्टिविटी है 0.0125। ठीक है, कि अगर हम मेटल्स के साथ डिस्कस करें, मेटल्स के साथ कंपेयर करें, तो ये बहुत पुअर कंडक्टर है, थर्मल कंडक्टर। लेकिन अगर हम इसी तरह लिक्विड जैसे अल्कोहल्स हैं, बेंजीन वगैरह हैं, उसके साथ कंपेयर करें, तो उसके हिसाब से ये एक्सीलेंट कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, हो गया, तो ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। इसके बाद हम बात करें एक्सपेंशन बिफोर फ्रीजिंग, के फ्रीजिंग से पहले इसका जो एक्सपेंड होना है उसकी डिस्कस करना है हमने। व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर इट कंट्रैक्ट्स, कि जैसे ही हम वाटर को कूल करते हैं तो ये सिकुड़ जाता है, ये कम जो है जगह घेरता है बर्फ़ की सूरत में। बिकमिंग डेंसर अंटिल इट रीचेज अ मैक्सिमम डेंसिटी एट 3.94 डिग्री सेल्सियस, कि जैसे ही हम इसको फ्रीज करते हैं पहले ये कंट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, दैट इज 3.94 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ़ कूल्ड फर्दर इट बिगिंस टू एक्सपेंड अगेन। ठीक है, कि अगर हम वो जो बर्फ बन गई है उसको मजीद कूल करते रहें तो वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। पहले वाटर जो था वो कंट्रैक्ट किया था जब उसने आइस बनानी थी, मतलब सॉलिड फॉर्म में जाना था, लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में जा चुका है, मतलब आइस बन चुकी है, अब फर्दर उसको हम कूल करते जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब एक्सपेंड होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो गई है। एट द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस इट एक्सपेंड मार्केडली, कि अगर अब जो है फ्रीजिंग पॉइंट पहुँच गया उसका, 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, अब अगर मज़ीद वो उसको हम कूल करते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो एक्सपेंशन है वो बढ़ती जाएगी, अनलाइक ऑलमोस्ट ऑल द अदर सब्सटांसिस, जबकि बाकी जो सब्सटांसिस हैं, बाकी जो लिक्विड हैं, वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ये प्रॉपर्टी यूनिक है वाटर के साथ, के जैसे ही हम इसको कूल करना शुरू करते हैं ये कंट्रैक्ट करता है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। फर्दर अगर हम इसको कूल करते हैं तो ये जो है अपोजिट रिएक्शन शो करता है, मीन्स पहले ये कंट्रैक्ट कर रहा था तो अब एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, और इसकी ये प्रॉपर्टी दूसरे सब्सटांसिस से बिल्कुल अलग है। यही रीज़न है कि इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से आइस फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ वाटर। ठीक है, कि वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करिए, कभी भी सिंक नहीं करती, वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे जो हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, उसको उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है कि जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो कभी भी पूरा का पूरा फ्रीज नहीं करता। जो आइस होती है वो सिर्फ टॉप पर मौजूद होती है, कि अगर बहुत ज़्यादा जो है कोल्डर इन्वायरमेंट है, कोल्डर एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, तो जो आइस होगी वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेयर पर बनेगी, मींस टॉप पर। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रिवर है या लेक है जो कि कोल्डर इन्वायरमेंट में है, तो टॉप लेयर जो होगी वो आइस से कवर हुई होगी, बाकी जो नीचे पोर्शन है सारा का सारा एक्वेटिक इकोसिस्टम का, वो उसके अंदर लिक्विड पोर्शन में आया जो वाटर है वो मौजूद होगा, लिक्विड वाटर मौजूद होगा, टॉप पर आइस होगी, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो नीचे आसानी से एग्जिस्ट कर रहे होगी, प्लांट्स जो होंगे, एनिमल्स जो होंगे, वो आसानी से इस वाटर के अंदर रह रहे होंगे। अगर ये भी फ्रीज हो जाएगा तो जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी, इसीलिए वाटर की ये प्रॉपर्टी हमारी जो बायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट की, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, दैट आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इसकी बेस पर जो है, नाउ इकोलॉजिस्ट हैव नोन सर्टन अदर इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विच अफेक्ट इन सम वे। ठीक है, पहले हमने बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, हमने वो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी थी, हीट कैपेसिटी थी, हीट ऑफ वेपराइजेशन थी, लेकिन अब जो हमने डिस्कस करनी है वो कुछ ना कुछ तरीके से वाटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर रही होती हैं। आपको पता है कि वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, और ये किसी भी लिक्विड से ज़्यादा अपनी सॉल्वेंट को शो करता है, कि ज़्यादातर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब हमने इसकी सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, दैट इज़ विस्कोसिटी। वाटर इज़ फेयरली विस्कस लिक्विड। ठीक है, वाटर जो है वो फेयरली विस्कस होता है, जिसकी वजह से एनिमल्स या जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स हैं, दैट लिव एंड मूव इन वाटर, नीड टू बी मच मोर स्ट्रीमलाइंड, कि उनकी शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। आपको पता है कि फ़िश की शेप जो होती है वो बिल्कुल इस तरह से नोकीली होती है, जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रीमलाइन शेप है उसकी, जो कि उसको वाटर की रेजिस्टेंस से अपोज करने से में हेल्प करती है। ठीक है, वाटर उसके ऊपर से भी गुजर रहा है, उसकी साइड से भी गुजर रहा है,
ठीक है, वाटर सामने से भी आ रहा है, तो इसको अपोज करना फिश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है कि अगर ये फिश है हमारे पास तो इसको वाटर को अपोज करना है, वाटर की अपोजिट मोशन में इसने चलना है, इसने स्विम करना है। दैट इज़ वाई इसको रेजिस्टेंस चाहिए उसके ख़िलाफ़। और वो रेजिस्टेंस कहाँ से आती है, इसकी स्ट्रीम लाइन शेप से। आपको पता है कि एयर में हम जो एरोप्लेन्स चलाते हैं, एरोप्लेन्स मूव करते हैं, उसकी शेप ही बिल्कुल इस जो है स्ट्रीम लाइन शेप पर बेस पर बनाई गई है, क्योंकि जो एयर की रेजिस्टेंस है उसको भी अपोज करना पड़ता है, बर्ड्स को भी जस्ट लाइक एरोप्लेन अपोज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो अगर किसी चीज़ के ख़िलाफ़ मूव करना है तो उसको रेजिस्टेंस देनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें स्ट्रीम लाइन शेप रिक्वायर है, जो कि फिशेज़ के अंदर पाई जाती है, मुख्तलिफ तरह के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जा रही होती है। ठीक है, तो ये हमारी थी विस्कोसिटी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें बायंसी, बायंसी जिसे हम कहते हैं अपवर्ड थर्स्ट। ठीक है, कि ऐसी कैपेसिटी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपवर्ड जो है प्रेशर दे रही हो, अपवर्ड मूव करवा रही हो। आपको पता है कि वाटर के अंदर जितने भी हम डीप जाते जाएंगे, हमारा जो वाटर का प्रेशर है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करता जाता है नीचे की तरफ जाते हुए। जैसे हमने एटमॉस्फेयर में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, प्रेशर एयर का बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता जाता है। अब इसमें ओपोजिट चल रहा है कि जैसे हम नीचे मूव करेंगे, हमारा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। वाटर इज़ बायंट मीडियम। आपको पता है कि वाटर जो है बायंट है, जिसकी वजह से फिशेज इसके अंदर आसानी से स्विम कर सकती हैं। फिशेज के अंदर अगर हम फिशेज की बात करें, तो फिशेज के अंदर एक ऑर्गन होता है, जिसके अंदर हम मेनली बोनी फिशेज की बात करें तो उनके अंदर स्विम ब्लैडर पाया जाता है, जो कि उन्हें अपवर्ड थर्स्ट में या फिर बायंसी में हेल्प कर रहा होता है, जिसके अंदर एयर प्रेशर का मेनली चेंज आता है। ठीक है, कि अभी कभी एयर जो है इनसाइड एंटर होती है, बाहर निकलती है, जिसकी वजह से फिशेज या तो सिंक करती हैं या फिर अपवर्ड राइज करती हैं, मेनली इस स्विम ब्लैडर की वजह से, जो कि मेनली बोनी फिशेज में पाया जाता है और उनकी बायंसी में उन्हें हेल्प दे रहा होता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट इन इट विदाउट स्पेशलाइज सपोर्टिव स्ट्रक्चर सच एज दोज दैट आर नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म दैट इनहेबिट टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, कि टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए, टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मूव करने के लिए हमें मुख्तलिफ तरह के सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमें एक प्रॉपरली जो है वो वर्टिब्रल कॉलम चाहिए होती है, हमें स्कल चाहिए होता है, हमें जो है मुख्तलिफ तरह के लिम्स चाहिए होते हैं, चाहे वो टेट्रापोड्स हों या फिर हमारे जो हम ह्यूमंस की तरह दो लिम्स पर मूव करने वाले हों, लेकिन हमें प्रॉपर लिम्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा स्केलेटल सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन ये सपोर्ट जो है वो टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ज़्यादा रिक्वायर होती हैं। एक्वेटिक इन्वायरमेंट की बात करें तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में बायंसी इतना उन्हें सक्सेसफुल बना देती है कि उन्हें इतने ज़्यादा सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो बायंसी क्या है, कि बायंसी है अपवर्ड थर्स्ट, जिसकी वजह से एनिमल्स जो है वो अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं वाटर में या सिंक कर रहे होते हैं। ये बेसिकली फिशेज़ की बात करें तो उनके अंदर स्विम ब्लैडर ये काम कर रहा होता है कि उन्हें अपवर्ड मोशन में हेल्प कर रहा होता है, साथ साथ सिंक भी करवा रहा होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। वाटर इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, कि हम वाटर जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यही वजह है कि वाटर के अंदर लाइट आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, इसकी डेप्थ तक पहुँच जाती है, वाटर की डेप्थ तक लाइट पहुँच जाती है और एब्जॉर्ब की जाती है। आपको पता है कि वाटर की डिफरेंट लेंथ्स जो है, डेप्थ्स में मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिन्हें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट इन्हें चाहिए होती है। अगर प्लांट्स पाए जा रहे हैं और जो कि फोटोसिंथेटिक हैं, तो उन्हें जो है वाटर के साथ साथ उनके लिए सनलाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है। ठीक है, अगर उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है तो उन्हें अल्टीमेटली जो है लाइट चाहिए, और वो लाइट कहाँ से आएगी, वो अपर सरफेस से ही होते हुए नीचे तक आएगी। तो आपको पता है कि इसी लाइट की एब्जॉर्प्शन की बेस पर हम जो है वाटर को मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो वो जोन जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर रही होती है उसको हम कहते हैं फोटिक जोन। ठीक है, वो जोन जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट करती है, दैट इज़ कॉल्ड फोटिक जोन। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरह की शॉर्ट वेवलेंथ्स और हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं हीट की, वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर रही होती है। लेकिन वाटर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो इफ़ेक्ट किस तरह से होती है, अगर वाटर पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ गए हैं, मुख्तलिफ तरह के फाइटोप्लैंकटॉन्स आ गए हैं सरफेस पर, या फिर डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं जिसकी वजह से वाटर की जो सरफेस है वो कवर हो जाती है, या तो फाइटोप्लैंकटॉन्स की मदद से या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स की मदद से, जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं रहती, वाटर ट्रांसपेरेंट नहीं रहता और लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं होती, जिसकी वजह से जो नीचे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, क्योंकि लाइट पेनिट्रेट
नहीं कर रही होती। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट हम डिस्कस करें दैट इज़ अबाउट सेलिनिटी। सेलिनिटी होता है कि कितनी जो है वो मुख्तलिफ तरह के सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन, ये कितनी तरह के सॉल्ट उसके अंदर एब्जॉर्ब हैं वाटर के अंदर। सेलिनिटी हैज़ बीन डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड मटीरियल इन ग्राम्स कंटेन इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, के कितनी तरह के उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, कितनी तरह के उसके अंदर सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हुए हुए हैं। ठीक है, उन सॉल्ट्स में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सोडियम आ जाते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फेट, फॉस्फेट, मुख्तलिफ तरह के बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स वगैरह, ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि इसके अंदर वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम मरीन इन्वायरमेंट की बात करें तो मरीन वाटर की सेलिनिटी होती है हमारे पास बेसिकली 3.5%। मरीन वाटर की सेलिनिटी है हमारे पास 3.5% और फ्रेश वाटर की जो सेलिनिटी है वो वेरी कर रही होती है, चेंज हो रही होती है मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स के साथ। ठीक है, 3.5% सेलिनिटी है जो कि है मरीन वाटर की, जो हमारे पास 97% में एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, और फ्रेश वाटर की सेलिनिटी वेरी करती है। सेलिनिटी ऑफ वाटर एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि या तो वो फ्रेश वाटर में रहते हैं या फिर मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, जो फ्रेश वाटर वाला है वो मरीन में माइग्रेट तो करता है लेकिन वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, इस बेस पर हमने एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इज स्टीनोहेलिन एंड सेकेंड इज यूरीहेलिन। ठीक है, स्टीनोहेलिन मीन्स, स्टीनो मीन्स होता है नैरो और हेलिन मीन्स सॉल्ट। ठीक है, स्टीनोहेलिन और यूरीहेलिन। ठीक है, स्टीनोहेलिन वो ऑर्गेनिज्म जो कि नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं कि अगर सॉल्ट की जो चेंज है वो नैरो होगी तो उसमें वो सर्वाइव करेंगे, लेकिन अगर वाइडर चेंज या वाइडर फ्लक्चुएशन आएगी वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्टीनोहेलिन ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ नैरो रेंज को टॉलरेट कर सकें, नैरो रेंज इन सेलिनिटी को, वो चेंज को जो है टॉलरेट कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे, स्टीनोहेलिन। उसमें हमारे पास स्पाइडर्स आ जाते हैं, क्रैब्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ तरह के फिशेज आ जाती हैं जिसमें लैम्प्रेज हैं और साल्मन्स वगैरह, हमारे पास स्टीनोहेलिन ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो अगर हम यूरीहेलिन की बात करें, यूरीहेलिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइडर रेंज ऑफ सेलिनिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूरीहेलिन। ठीक है, यूरीहेलिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइडर चेंज इन सेलिनिटी या वाइडर फ्लक्चुएशन इन सेलिनिटी कैन टॉलरेट, ठीक है, कि वो ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यूरीहेलिन, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं मेनली तिलापिया फ़िश आ जाती हैं, माइटिलस वगैरह आ जाते हैं जो कि इसको टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई हमारे पास दो तरह के एनिमल्स की, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो दोनों तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, या चाहे वो स्टीनो हो चाहे वो यूरीहेलिन इन्वायरमेंट हो, वो दोनों तरह के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं और उसे हम कहते हैं कि वो दोनों तरह के इन्वायरमेंट में टॉलरेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई हमारी सेलिनिटी की बेस पर। नेक्स्ट अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मींस इसके अंदर किस तरह की गैसेस डिसॉल्व हो सकती हैं, इसकी क्या कैपेसिटी है कि ये किस तरह की गैसेस को अपने अंदर रिटेन कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है हमारे पास सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ठीक है, कि मुख्तलिफ तरह की गैसेस कैसे डिसॉल्व होती हैं वाटर में, उसमें ऑक्सीजन आ जाती है, नाइट्रोजन है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो कि हमारी एटमॉस्फेयर का मेन पार्ट है। ठीक है, आपको पता है कि ये हमारे मेन पार्ट्स थे जो है एटमॉस्फेयर के या फिर एयर के। ठीक है, जितना ज़्यादा एयर में ऑक्सीजन होगी या फिर जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, उतनी अमाउंट ही वो डिसॉल्व करेगा वाटर में। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा एयर में होगी उतनी ही अमाउंट उतनी ही डिसॉल्व होगी वाटर में। सबसे पहले मोस्ट गैसेस डिसॉल्व रेडिली इन वाटर, कि ज़्यादातर जो गैसेस जो हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं वाटर में। मोस्ट नोटेबली दोज दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो तो लाजमी तौर पर एब्जॉर्ब होती हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि अगर मुख्तलिफ तरह के एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स रह रही हैं, फिशेज रह रही हैं, मुख्तलिफ तरह के सेलेमेंडर्स हैं, उसके अलावा प्लांट्स हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैसेज हैं जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। अगर वो वहाँ पर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद नहीं होंगी तो वहाँ पर लाइफ की सर्वाइवल बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, तो जिसकी वजह से वाटर को गैसेस को डिसॉल्व करना पड़ता है।
The saturation level of any gas in water depends on several variables. Saturation mean absorbance के कितनी जो है water अपने अंदर dissolve करता है वो gases, saturation level उसको हम कह रहे हैं. ठीक है कि most notably temperature. अब उसके factors क्या हैं जिसकी base पर saturation होती है. ठीक है कि अगर temperature high है, temperature low है, ये directly affect कर रहा होता है saturation को. इसके साथ salinity कितनी है, either water जो है वो marine environment का है या फिर fresh environment का है, उस पर भी डायरेक्टली सेचुरेशन लेवल डिपेंड कर रहा होता है. साथ साथ कंसनट्रेशन ऑफ गैसेज इन द एटमोसफेयर के आपको पता है कि नाइट्रोजन की जो कंसनट्रेशन है एयर में बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हमारे पास और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है मेजर कंपोनेंट है हमारी एयर का. तो जितनी ज़्यादा गैस जो है वो एयर में पाई जाएगी उतनी ही अमाउंट उसकी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी या ज़्यादा डिजॉल्व होगी वाटर के अंदर. ठीक है, तो उसे हम कह रहे हैं सेचुरेशन लेवल इससे भी अफेक्ट हो रहा है. साथ साथ रिलेटिव सोल्युबिलिटी इन वाटर, अब इसकी भी एक केमिस्ट्री है कि वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वाटर की जो आयनाइजेशन है वो डिपेंड करती है कि वो कितना जो है वो उसके अंदर रिलेटिव सोल्यूबल होती है, कि ऑक्सीजन की ज़्यादा सोल्युबिलिटी है, नाइट्रोजन की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, तो जो नाइट्रोजन है वो कम डिजॉल्व होती है, कम सोल्यूबल होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रेडिली सोल्यूबल हो जाती है वाटर के अंदर. ये इसकी केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री के जो आप टॉपिक्स पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स वगैरह, केमिकल सोल्युबिलिटी वगैरह, उसमें आप लोग ये डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज़्यादा है कि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सके. तो मेनली ये डिस्कस करना है हमने वाटर की कैपेसिटी को कि वो कौन कौन सी गैसेस को अपने अंदर रिटेन कर सकता है. ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन, दैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल फॉर लाइफ. ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो तो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो एनिमल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन. वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, बिकॉज मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर दिस फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, कि जो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी रेस्पिरेशन डायरेक्टली बेस कर रही होती है ऑक्सीजन पर, दैट इज़ इन द डिसॉल्व फॉर्म. जैसे हम एयर में से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही वो वाटर से ले रहे होते हैं जो कि डिसॉल्व फॉर्म में होती है. ठीक है, तो हमारे पास जो ज़्यादातर ऑक्सीजन है वो हमने वाटर में से जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वही एनवायरनमेंट में इस्तेमाल हो रही होती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, तो इसको हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका डिसॉल्व होना. नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर का, एयर में जो मेजर फॉर्म है, मेजर जो गैस है वो नाइट्रोजन होती है. नाइट्रोजन इज़ सिग्निफिकेंटली लेस सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, बट बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूट 78% ऑफ द एटमोसफेयर. आपको हमने एटमोसफेयर के जब एयर का टॉपिक डिस्कस करे थे हमने, तब ये डिस्कस किया था कि 78% जो है हमारी एयर का नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होता है. इट स्टिल अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ द डिसॉल्व गैसेज एट एक्विलिब्रियम, के 65% डिसॉल्व गैसेज में से ये एक है, क्योंकि ये हमारी एयर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. हमने जब इसकी डिस्कस किया था कि इसके सेचुरेशन लेवल को डिस्कस किया था वाटर के, हमने कहा था कि मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स हैं जिस पर सेचुरेशन लेवल डिपेंड करता है, और उसमें से एक ये था कि जितनी ज़्यादा गैस इन्वायरमेंट में या फिर एयर में पाई जाएगी उतनी ही ज़्यादा वाटर में डिसॉल्व होगी. तो आपको पता है कि नाइट्रोजन एयर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, 78% में पाई जाती है, तो इसकी यही रीज़न है कि ये ज़्यादा डिसॉल्व भी हो जाती है वाटर के अंदर, जबकि इसकी जो सोल्युबिलिटी है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. ठीक है, तो नाइट्रोजन जो मुख्तलिफ तरह के हमारे पास बैक्टीरिया हैं, फंजाए हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी हैं, वो इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को, इसको फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चला रहे हैं एक मुख्तलिफ तरह का. ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की डिसॉल्व हो गई कि वाटर के अंदर इसकी कितनी कैपेसिटी है डिसॉल्व होने की. नेक्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डीकम्पोजिशन एंड एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है, कि एक्वेटिक प्लांट्स जब फोटोसेंसिस कर रहे हैं तो उन्होंने ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करना है, साथ साथ जब डीकम्पोजिशन हो रही होगी ऑर्गेनिक मैटर की तब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होती है. इसी तरह एक्वेटिक प्लांट जब फोटोसेंसिस कर रहे हैं तो फोटोसेंसिस का जो प्रोडक्ट है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इस्तेमाल हो रही होती है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में, और वो ऑक्सीजन को मेनली रिलीज़ कर रहे होते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट. तो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. एन एनिमल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कि जैसे ही अगर एक्वेटिक प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं
तो उसके ऑपोजिट जो है वो एनिमल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस गैस इज़ वन ऑफ द एसेंशियल रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बाय द ग्रीन प्लांट्स, कि ग्रीन प्लांट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम इस यही रीज़न है कि इसका डिसॉल्व होना वाटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि जैसे ही अगर टेम्परेचर लो होता है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी प्लांट की लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो डीप इन वाटर है वहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही होती। ठीक है, क्यों इस्तेमाल नहीं हो रही होती? क्योंकि वहाँ पर जो प्लांट्स हैं मेनली फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते, डार्क में होते हैं, वहाँ पर लाइट ज़्यादा पहुँच नहीं रही होती, इसलिए जो डीप है या डेप्थ है सीज की, ओशंस की, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक है, डेप्थ में। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि हमारे पास टॉक्सिक गैस है, और ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रही होती है? ये प्रोड्यूस होती है या रिलीज़ होती है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जब उनकी डिकम्पोजिशन हो रही होती है तो ये मेनली गैस वहाँ से टॉक्सिक गैस है जो कि वहाँ से रिलीज़ होती है, जो कि इंक्लूडिंग पोंड्स, लेक्स और एस्ट्रीज वगैरह में ये डिज़ोल्व होती है। ठीक है, टॉक्सिक गैस है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज़ होती है और पानी में डिसॉल्व हो जाती है। तो मेनली हमारे पास जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए एसेंशियल गैसेस हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दैट इज़ मेनली डिसॉल्व रेडिली इन द वाटर। ठीक है, वाटर में रेडिली डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ये हमारे पास थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की, जो मेनली आज हमने डिस्कस की। लेकिन आज हमने इसका जो फाना है और फ्लोरा है, जो कि वाटर के या एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेनली हमने जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन पर जो फैक्टर्स हैं वाटर पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।